अस्सलाम वालेकुम क्लास, माय नेम इज़ रियांजवेद एंड आई एम योर मैथ टीचर। फर्स्ट ईयर आज हमने एक्सरसाइज 12.17 स्टार्ट करनी है। उसके अंदर हमने आज करना, उसने हमें एक जो दी हुई है चीज़ें वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। जो 12.6 तक था उसमें हमने किया कि सिर्फ ट्राइंगल को सॉल्व करना है, मतलब उसकी तीन साइड्स और उसके तीन एंगल्स को फाइंड आउट करके देना है। कुछ चीज़ें हमें गिवन होती थी उनको यूज़ करते हुए, उनके असेंबलिंग जो हमारे पास फार्मूले होते थे उनको यूज़ करते हुए हम रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स फाइंड कर लेते थे। अब उसने क्या है, एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। जो चीज़ें हमें दी हुई हैं उनके असेंबलिंग फार्मूले यूज़ करते हुए, अब 12.7 के अंदर उसने हमें जो दिया होगा, जब उसने हमें दो साइड्स दी होंगी और एक एंगल दिया होगा और हमने फाइंड क्या करना होगा, एरिया, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है 1/2 दोनों साइड्स मल्टीप्लाई बाय जो साइड गिवन नहीं होगी उसका एंगल दिया होगा, साइन इनटू एंगल। ये हमारे पास फार्मूला होगा जब हमें दो साइड और एक एंगल दिया होगा, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय टू साइड्स और उसके मल्टीप्लाई बाय साइन इनटू जो एंगल गिवन होगा। और जब उसने हमें वन साइड और दो एंगल दिए होंगे तब हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो एंगल हमें गिवन है और जो सी साइड गिवन होगी उसी का एंगल नीचे लेके उसके साथ डिवाइड करेंगे। क्लास जब वन साइड होगी तो उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों एंगल ऊपर होंगे और जो इस साइड का एंगल होगा उसके साथ डिवाइड करेंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, उसने कहा सोल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडिंग एंगल। टू साइड्स और एंगल गिवन है, मतलब अब हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। पार्ट वन वो कह रहा है ए इज इक्वल टू है 200, बी इज इक्वल टू है 120 और गैमा इज इक्वल टू है 150 डिग्री के। जी क्लास, अब देखें हम यहाँ पे तो देखें 1/2 टू साइड्स जो गिवन है हमारे पास ए बी और जो साइड गिवन नहीं है सी उसका जो एंगल गैमा है वो हमने साइन के अंदर पुट करके तो अपना फार्मूला पूरा कर लेना है। फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन इंटू गैमा, जो साइड नहीं है उसका एंगल गिवन है। वैल्यूज पुट करें 1/2 ए क्या है हमारे पास 200, बी क्या है हमारे पास 120, साइन इंटू 150। सोल्व करते हैं, 200 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, 200 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड करते हैं 2 के साथ तो ये हमारे पास इक्वल टू आया 12,000 12,000। नेक्स्ट साइन 150 लेते हैं, साइन 150 लिया वो हमारे पास इक्वल टू आया 0.5 के, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 0.5 के साथ तो हमारे पास डेल्टा किसकी इक्वल आया 6,000। यही हमने फाइंड करना था और हमें पता इसका यूनिट क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर में जो भी यूनिट होगा वो यूनिट लेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये आ गया क्लास हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमने साइड्स वगैरह सॉल्व नहीं करनी, हमने ट्राइंगल वगैरह सॉल्व नहीं करनी। उसने कहा सिर्फ आप मुझे एरिया फाइंड करके दें गिवन कंडीशन को यूज़ करते हुए। इसका मैं एक और पार्ट कर देता हूँ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर उसने हमें दिया हुआ है दोबारा ए और बी ही, ए जो है वो इज इक्वल टू है 4.33 और बी दिया हुआ है 9.25 और गैमा दिया हुआ है 56 डिग्री 44 मिनट। जी क्लास, अब देखें दो साइड्स और उनके रेसिप्रोकल जो एंगल है, मतलब थर्ड साइड का एंगल गिवन है
दो साइड एक एंगल गिवन है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 ए बी साइन इंटू, जो साइड नहीं गिवन उसका एंगल गिवन है तो वो ले लेंगे साइन के साथ। वैल्यू पुट करें 1/2 ए हमारे पास किसकी इक्वल है 4.33, बी हमारे पास किसकी इक्वल है 9.25, साइन इंटू गैमा किसकी इक्वल है 56 डिग्री 44 मिनट। जी क्लास सोल्व करें, 4.33 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9.25 के साथ तो हमारे पास इक्वल टू आया 40.05, उसको डिवाइड कर दिया नेक्स्ट हमने 2 के साथ तो हमारे पास इक्वल टू आया 90.02625। नेक्स्ट हमारे पास हमने लिया साइन 56 डिग्री 44 मिनट तो वो हमारे पास इक्वल टू आया 0.836 के। इसको हमने मल्टीप्लाई किया फिर इसके साथ 20.026 के साथ तो वो हमारे पास डेल्टा जो था वो इक्वल टू आया 16.74 स्क्वायर यूनिट के। तो क्लास यही हमने फाइंड करना था, इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आप खुद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, ये था हमारे पास क्लास क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन वन साइड एंड टू एंगल, वन साइड एंड टू एंगल। अब इस फार्मूले का यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है हमारे पास, बी जो है वो इज इक्वल टू है 25.4, अल्फा जो है वो इज इक्वल टू है 45 डिग्री 17 मिनट और गैमा जो है वो इज इक्वल टू है 36 डिग्री 41 मिनट के। जी क्लास फार्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। अब क्लास क्या करना है हमने, जो सी साइड गिवन है उसका क्या लेना है स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर, और जो गिवन है उनका ऊपर साइन, साइन अल्फा साइन गैमा डिवाइड करेंगे जो सी साइड गिवन है उसके एंगल के साथ, बी गिवन है मतलब साइन बीटा के साथ डिवाइड कर देंगे। जी क्लास वन साइड टू एंगल फार्मूला लिया, उस जो साइड गिवन है उसका स्क्वायर और जो एंगल गिवन है उनका साइन के साथ एंगल ले लिया, और जो सी साइड गिवन है उसका जो एंगल होगा उसके साथ साइन लेके डिवाइड कर देंगे साइन का फंक्शन लेके। अब क्लास हमारे पास बी भी है अल्फा भी है गैमा भी है बीटा नहीं है, तो बीटा हम पता है कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल किसकी इक्वल होता है 180 डिग्री के। बीटा हमने फाइंड करना है, अल्फा गैमा गिवन है, बीटा इस साइड पर रहने दें, 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा, 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल है 45 डिग्री 17 मिनट, माइनस गैमा किसके इक्वल है 36 डिग्री 41 मिनट। तो सॉल्व कर लें तो बीटा आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री 17 मिनट माइनस 36 डिग्री एंड 41 मिनट। तो क्लास हमारे पास बीटा जो है वो इज इक्वल टू आया 98 डिग्री एंड 2 मिनट के। तो क्लास अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, 1/2 बी क्या है हमारे पास 25.4 स्क्वायर, साइन इंटू अल्फा हमारे पास 45 डिग्री 17 मिनट, साइन गैमा किसकी इक्वल है 36 डिग्री एंड 41 मिनट। नेक्स्ट क्लास और डिवाइडेड बाय साइन बीटा किसकी इक्वल है हमने फाइंड किया है 98 डिग्री 2 मिनट के। जी क्लास अब वैल्यूज पुट करते हैं, 25.4 का हम लेते हैं स्क्वायर 25.4,
कलिया स्क्वायर, वो हमारे पास इक्वल टू आया क्लास 645.16। नेक्स्ट हमने लिया साइन 45 डिग्री 17 मिनट एंगल लिया, वो हमारे पास इक्वल टू आया 0.710। नेक्स्ट हमने लिया साइन गैमा, साइन इनटू 36 डिग्री 41 मिनट, तो वो हमारे पास क्लास इक्वल टू आया 0.597 और डिवाइडेड बाय साइन 98 डिग्री, साइन 98 डिग्री एंड 2 मिनट, तो वो क्लास हमारे पास इक्वल टू आया 0.99। जी क्लास, अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.597 को मल्टीप्लाई किया 0.710 के साथ, उसको मल्टीप्लाई किया 645.16 के साथ, तो हमारे पास ऊपर आया 273.46 और डिवाइड किया 0.99 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 0.99 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो वो इक्वल टू आया 1.98 के। तो ओके क्लास, नेक्स्ट हमारे पास डेल्टा फिर किसकी इक्वल आया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 273.46 डिवाइडेड बाय 1.98, तो हमारे पास डेल्टा इक्वल टू आया 138.11। तो क्लास किसकी इक्वल आया, ये स्क्वायर यूनिट के, तो हमने उसका क्या फाइंड कर लिया, एरिया। इसी तरह जो इसके रिमेनिंग टू पार्ट्स हैं इसी तरह करेंगे, दो एंगल गिवन है थर्ड फाइंड कर लेंगे, साइड गिवन होगी उसका स्क्वायर और जो गिवन है उनका एंगल फंक्शन साइन के साथ एंगल ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे जो साइड गिवन है उसके एंगल के साथ, फिर हम उसके वैल्यूज पुट करके यूज़ कर लेंगे। पार्ट टू पार्ट थर्ड इस तरह होना है। और ये क्लास आज का हमारा लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 1-2, नेक्स्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।